स्प्रेन्ड एंकल के साथ सेट पे खड़ी हूँ शूट करते हुए, दो एडीज ने मुझे पकड़ा हुआ साइड से एंड फ्रेम में धक्का मारते, तो मैं एंटर करके डायलॉग बोलती, फिर एग्जिट करते मैं गिर जाती, तो दे वुड होल्ड मी. तो बिकॉज वो कमिटमेंट्स थी काम की, आई हैड टू वर्क. माई मॉर्निंग विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी एग्स, ऑमलेट, भुर्जी, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ एग्स इज द फर्स्ट थिंग आई ईट विदाउट कार्ब्स. क्या बात है, विदाउट कार्ब्स. विदाउट कार्ब्स. आई लव मैंगोज एंड एवरी टाइम आई वांट टू ईट अ मैंगो माय ट्रेनर सेज इट्स कैलोरीज. You can't eat mango. ये बता दो ये क्या, ये तो अलग ही कुछ, ये क्या है? बता तो दो, इसका इसका सिर भी नहीं है, ये कुछ होता है इस पे, हेड पे कुछ? वैसे ना सिर है ना पैर, ये एक वेजिटेबल है, इसका नाम है जुकीनी. Fintola Peanut Butter presents Shape of You. Fit is fab. Powered by Sofit on Filmy Mirchi. Hello and welcome to India's only fitness talk show, Fintola Peanut Butter presents Shape of You, powered by Sofit. ये वो शो है जहां पर हम बात करते हैं स्टार्स के डाइट्स, वर्कआउट्स और मेंटल हेल्थ के बारे में. और क्योंकि ये शो जनहित में जारी है, हाउ कैन वी नॉट हैव द स्टार हरसेल्फ फ्रॉम द मूवी जनहित में जारी. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नुसरत भरूचा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी, रियली. नो नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. लिसन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नुसरत, आई मस्ट से आप हमेशा ही बहुत फिट लगती हैं, और मैंने ट्रेलर्स देखे, मुझे बहुत कमाल लगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. लेकिन मुझे बताइए, प्रिपरेशन के लिए आपने क्या और कैसे तैयारी की? पता है, एक्चुअली मेरे साथ पिछले एक साल से ना कुछ तो गड़बड़ होती ही रहती है. आई हैड अ वर्टिगो अटैक, देन आई हैड अ बैक इंजरी, देन आई स्प्रेन्ड माय एंकल, देन आई क्रैक्ड माय टो. क्रैक्ड योर टो, प्लीज बताइए लोगों को क्यों, व्हाई डिड यू क्रैक योर टो? कितना काम किया इन्होंने अपने बर्थडे पे. हाँ, ये बता दीजिए. हाँ, वो बर्थडे पार्टी में थोड़ा टेबल वेबल पे चढ़ के डांस कर लिया, टूट गया. इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बट दैट्स मेंटल हेल्थ, आई हैव टू बी हैप्पी, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. तो फिजिकली क्या काम किया फिर आप? तो बिकॉज आई वॉज सफरिंग एंड कॉन्स्टेंटली वन इलनेस आफ्टर द अदर, वन फॉल और द अदर, इट बिकेम डैम डिफिकल्ट टू कीप अप काम. मतलब मैं स्प्रेन्ड एंकल के साथ सेट पे खड़ी हूँ शूट करते हुए, दो एडीज ने मुझे पकड़ा हुआ है साइड से एंड फ्रेम में धक्का मारते, तो मैं एंटर करके डायलॉग बोलती, फिर एग्जिट करते मैं गिर जाती, तो दे वुड होल्ड मी. तो बिकॉज वो कमिटमेंट्स थी काम की, आई हैड टू वर्क. उसमें ना टू कीप योर माइंड देयर, बिकॉज यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, दैट टुक अ लॉट ऑफ वर्क. आई थिंक इट्स मोर देन फिजिकली, तो यू नो कि आप दवाइयाँ खा लोगे, आप कुछ लगा दोगे, आप फिजियोथेरेपी कर लोगे, आप कुछ तो कर लोगे टू गेट दैट इंजरी बैक एंड रनिंग, बट मेंटली यू जस्ट, so I've just been sick and just trying to fulfill all commitments for the last 1 year. So for me, keeping myself happy in this period na became most imperative. मतलब मैं वो चीज़ें करती रोज जो मुझे खुश करती, उससे मेरा काम भी आसान होता, और जो मेरी एक इलनेस है या जो एक शॉर्टकमिंग है, जो इंजरी है, उससे थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता. बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, अब मैं एक सीरियस मुद्दे पे आऊँगी, वी टॉकिंग अबाउट यू नो प्रेजुडिसेस. एंड जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो मुझे याद है कि हाइट को लेकर काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं. आपके लिए तो उल्टा रहा होगा, तो मेरे लिए क्या था कि हीरोज को लगता था या मेकर्स को लगता था, अरे बहुत लंबी है यार. हाइट को लेके तो आई थिंक सबसे ज्यादा रिजेक्शंस फेस किए मैंने बिगनिंग ऑफ टाइम से. ऑल्सो आई एम पेटीट ना, तो वो पेटीट एंड शॉर्ट हाइट में नहीं, आप हीरोइन तो बनी नहीं सकती, आपको हम दोस्त बना लेते हैं या कुछ और बना लेते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मैंने कहा एक सेकेंड, इन्वेंशन किया है किसी ने हील्स का, वो पहन लेती हूँ तो मैं फ्रेम में आ जाऊंगी हीरो के साथ, अब किसको पता है नीचे कितने इंचेस है. So I did this trick, if you, so now people have started seeing it, but दिल चोरी में मैंने साड़ी लंबी रखी थी जी, ताकि वो हील्स कवर हो जाए, पता ना चले कि इतनी बड़ी हील पे नाच रही है, और ऐसे लगे कि लंबी ही है, बट पीपल कॉट इट एंड देन आई सेड चलो फिर हील्स में ही डांस करते हैं. नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए. ऑन सेट बकेट्स ऑफ नमक एंड गर्म पानी रहता है. जो मैं हील्स पहनती हूँ ना, वो एक दिन के बाद फिट नहीं होती, मतलब कुछ घंटों बाद सूज जाते हैं, तो वापस अंदर नहीं जाते, तो आई हैव टू पुट इट इन द हॉट वाटर, सूजन निकालते हैं. ऑन दिल चोरी, बिकॉज वी आर शूटिंग दैट सॉन्ग फॉर 4 days, दे हैड टू कॉल लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट टाइप, somebody who could come and somebody who could like massage it and relieve the swelling and the pain, just so I could finish shooting. और मुझे ऐसे लगता है कि हाउ कैन हाइट हैव एनीथिंग टू डू विद टैलेंट, यू नो, रियली कांट. सो आई थिंक यू विल जस्ट कट पीपल डाउन टू देयर, यू नो, टू देयर साइज. एंड आई डिड अजीब दास्तान एंड छोरी, आई वाज नॉट वेयरिंग एनी हील्स, सो आई वाज इन फ्लैट्स, एंड हो गई वो फिल्म शूट, चल भी गई, तो मैंने कहा चलो. जितने भी रस है वो आपको यहाँ से दिखाने ना, मुंह से जी, मतलब जी, बाकी सब इमटीरियल है.
जब फिटनेस की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल होता है, तो ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। आपका नो कॉम्प्रोमाइज ब्रेकफास्ट क्या होगा? आई थिंक प्रोटीन्स फॉर श्योर इन द मॉर्निंग, बिकॉज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। हाँ, ओनली वे 14 घंटे 16 घंटे टू कीप इन शेप। अब क्या आप डिसअपीयर हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ तक नहीं आएंगी, उसके पहले मैं खत्म कर दूंगी फास्टिंग। बट बिकॉज ऑफ दैट 16-hour fast, द फर्स्ट थिंग आई ईट इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू ट्रेनर्स एंड अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी गिव्स मी सम कंसल्टेशन, हैज टू बी हाई प्रोटीन। सो माई मॉर्निंग विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी एग्स, ऑमलेट, भुर्जी, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ एग्स इज द फर्स्ट थिंग आई ईट विदाउट कार्ब्स। क्या बात है, विदाउट कार्ब्स? विदाउट कार्ब्स। Carbs, I think, second meal में आते हैं, which is the lunch meal, where I can afford the carbs and then eat, then like do that much. ताकि वो थोड़ा सा energy भी दे फिर आपको। Okay, now sticking to food only, ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है। मैं आपको ऐसा एक word दूंगी जो आपको pronounce करना है, ठीक है? ये रहा आपका word। Faux. Was I wrong? Oh God. इतना आसान नहीं होता है। It's four, right? It's like acting. दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन पीएचओ तो नहीं बोल सकता इसको कोई। हाँ। तो क्या होता है? फ। फ। ओ, साइलेंट है। हाँ। और ये है क्या? वियतनामी सूप है ये। यार ये। हाँ। कुछ इंडियन नहीं गेस कर सकती मैं। सही बताऊं तो मैंने भी ऐसे ही प्रोनाउंस किया था, फिर मुझे बताया गया कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। अब ये आपके हित में जारी है, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप वर्कआउट करती हैं तो आप चीटिंग अगर करती हैं तो कैसे करती हैं? काउंट गलत कर देती हूँ सेट्स। इफ दे से ओके यू डू 15 और 25 सिट अप्स, हम लाइक हो गया 25, जब मैंने किए होंगे 20, हम लोग मन में गिन रही हो गए हो गए हो गए। ये अच्छा तरकीब है, लेकिन मेरे जो ट्रेनर है, मैं ये इस तरकीब का जब इस्तेमाल करती हूँ तो बोलते हैं नहीं, वो पांच और घटा देते हैं और फिर बोलते हैं कि चीटिंग के लिए आपको और 5 करनी पड़ेगी अब। और मैंने ये भी सुना है कि आप मीलों दूर जाती हैं अपने जिम के वर्कआउट्स के लिए, क्या या तो ट्रेनर बहुत हैंडसम होगा या ट्रेनर पे क्रश है? नहीं नहीं नहीं, हैंडसम कहीं से नहीं और क्रश तो कहीं से भी नहीं है। वो बिगिनिंग ऑफ टाइम पे था जब मुझे और कोई ट्रेनर पता नहीं था, एंड ही बिकेम अ फ्रेंड थ्रू सम कॉमन दिस थिंग। तो ही वाज ओनली ट्रेनिंग इन वर्ली का कोई एक जिम में। हाँ। तो मैं जुहू से रोज। आप जुहू से वर्ली जाती थी? वो भी ट्रेन में। आई नो, इस ट्रेनर से मैं बहुत डेडिकेटेड थी। मैं 30 साल गई हूँ, 3 years have gone to Worli to work out. And मुझे कोई मीटिंग के लिए बुलाता, यार प्यार का पंचनामा की मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा था इतने बजे पहुंच जाओ। मैंने कहा मैं जिम में हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। तो सर ओके, आधे घंटे में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं Worli में, मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। सो दे वर लाइक, Worli कौन जाता है? मैंने कहा मैं। वाह। सो या, सो व्हाट टेक्स यू लॉन्गर, योर हेयर एंड मेकअप और अ वर्कआउट? हेयर एंड मेकअप है ना। हाँ, पेनफुल है ये, बहुत पेनफुल है। एंड कोई एटलीस्ट जिम में उन्होंने ये करके निकलो, हेयर एंड मेकअप में तो एक्सपेरिमेंट इतने होते हैं, ये ट्राई करो अच्छा नहीं लग रहा, ये करो ये निकालो। सो या, दैट टेक्स लॉन्गर देन अ वर्कआउट। ओके, बहुत सारी सीरियस बातें होगी, थोड़ा सा माहौल को कूल कर देते हैं। इट्स टाइम टू प्ले अ लिटिल गेम। एज यूजुअल मैंने जोमैटो से थोड़ा सा खाना मंगाया है, थोड़ा, इट्स वेरी हेल्दी। ओके, तो मैं आपको एक एक डिश की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछूंगी और आपको जवाब सिर्फ हायर और लोअर में देना है। ठीक है, तो ये है 1 कप साबुदाना खिचड़ी मेड विद टैपियोका पर्ल्स, ओके, स्पाइसेस एंड पीनट्स। So is the carbohydrate content higher or lower than 100 grams? Of this whole bowl, tapioca is flour only at the end of the day, even though it's gluten-free. Higher. Wow. Very good. Am I right? 135 grams. Okay, well then. Done. Okay, so now here we've got a glass of mango smoothie made with fresh mango, Greek yogurt and honey. Are the calories higher or lower than 200? I love mangoes, and every time I want to eat a mango, my trainer says it's calories. You can't eat mango. So, just on that basic knowledge, I'm going to say lower. Was that a googly? Sahi jawab. Yes. 170. Not bad. Yeah. So here we have a 6-inch chicken sub on brown bread with all the veggies and honey mustard sauce. Is the fat content higher or lower than 6 grams? Higher. No? Fat content 3 grams. 3 grams? Yeah. What about the honey healthy mustard and all? Honey mustard. Yeah, very little. Okay, here we have a small paneer tikka salad with rocket garden vegetables and basil vinaigrette. Is the protein content
higher or lower than 8 grams? I'm going to say higher. Yes. Yeah? Sahi jawab. All right. 15 grams. You can become a nutritionist. I don't know. Toh bahut ho gayi baatein. आखिर ये शो शेप ऑफ यू है तो थोड़ी सी एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी. इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू गो टू द फिट इज फैट स्टूडियो. लेट्स गो. ओके नुशरत, तो ऐसे होने वाला है कि आप ये फिल्मी मिर्ची वाले व्हील को स्पिन करेंगी. ओके, नॉट दिस वन, मेरे पास भी एक व्हील है. तो आप इसे नहीं, उसे स्पिन करेंगी और जहां पे भी लैंड होगा आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी. अभी करिए. सॉरी. चलेगा. तो आपका चैलेंज है कि आपके सामने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखी जाएंगी जिसे आप देख नहीं पाओगे और आपको छू के बताना होगा कि वो कौन से आइटम्स है. तो माना कि आपने गलत जवाब अगर दिया तो आपको 5 स्क्वाट मारने पड़ेंगे एंड आपके ट्रेनर की तरह मैं 5 स्क्वाट ही गिनूंगी. ओके. वाह. ओके. ओह माय गॉड. हाँ, एक मिनट. हमारे पास ये पिंटोला हाई प्रोटीन पीनट बटर है. आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको सारा देती हूँ. सब ओरिएंटेशन बिगाड़ दो. हाँ. आपको इस पीनट बटर की कसम कि आप कोई भी चीटिंग नहीं करेंगी. ओके, कसम खा के कहती हूँ मैं चीटिंग नहीं करूंगी. वाह, चलिए. यू विल गिव मी द प्लेट. ये आई हैव ऑलरेडी गॉट इट इन माय हैंड. ये लीजिए. ये पता ही होगा तुमको. वेट, अरे वो फ्रूट है ना ये, कोई तो ऐसे ड्रैगन फ्रूट. इसे ड्रैगन फ्रूट मैं 100% दिखाई दे रहा है. नहीं यार, लिसन, ड्रैगन फ्रूट की ये देखो, ये तो बहुत ही बेसिक है. बेसिक है ना ये. कितना है? कितना है कैलोरीज? नहीं अभी मिक्सिंग क्विजेस. मेरे फिंगर्स दिखाई तो नहीं दे रहे. अरे हां, नहीं नहीं ना. ठीक है, चलिए. ये फन गाइस, फन है ना. पैर, दिस इज पैर. इट्स अ पैर, इट्स अ फ्रूट. तुम्हारे पैर कहाँ है? सुने मुझे, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड में सब कुछ पता है. ये तो इजीली आ जाएगा. मिलते जुलते शेप्स होने चाहिए चीजों के जो कंफ्यूजिंग. दिस इज माय फेवरेट फ्रूट, इट्स लीची. ये लो. ओके, ये एक डिफिकल्ट है बिकॉज इट कुड बी अ ब्रिंजॉल ऑल्सो, इट कुड बी दैट लॉकी ऑल्सो, इट कुड बी क्यूकम्बर ऑल्सो. इसमें से तीनों में से क्या है? कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. चलो क्या है? एक तो ये बता दो. ये तो लग रहा है, ये क्या है? बता तो दो. इसका सिर भी नहीं है. ये कुछ होता है इस पे, हेड पे कुछ? वैसे ना सिर है ना पैर, ये एक वेजिटेबल है, इसका नाम है जुकीनी. कोर्जेट भी बोलते हैं इसको वैसे. चलिए, सिर्फ 5 स्कोर. ओके, यू आर काउंटिंग. वन. वाह 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 वाह. वन, टू, थ्री. वेरी डिफिकल्ट, इट इज ब्लाइंड फोल्डेड गाइस. फोर एंड फाइव. क्या बात है. चलो ठीक है, एक लास्ट वाला है अभी बस. ओके, अरे अलग है क्या ये? सेम है ये? गाजर है क्या? आप पूछ रही है कि जवाब दे. ये गाजर है. अच्छा? नहीं नहीं नहीं, मूली है. इज इट मूली? व्हाट इज दिस? जनरल भी कलर मूली है. अरे क्या पागल हो गए? बिल्कुल नहीं. ये गलत जवाब हुआ. ये आपने मूली का, आप डिसाइड करो गाजर है कि मूली है. नहीं पता. नहीं, मूली. वेरी गुड, स्क्वाट करिए. ये गाजर था. ओह शिट, मैंने पहले करेक्ट बोला था यार. गाइस यार, अच्छा अब मैं निकाल देती हूँ आपके, आपका जो क्यों क्योंकि हो गया. ओह, इट वाज एक्चुअली गाजर. मैंने सही बोला था. गाजर. वाह वाह वाह. ओके, खूबसूरत लगती हुई, स्क्वाट्स करती हुई, स्माइल करती हुई. अरे या म्यूजिक भी चला दिया आपके लिए. वाह, टेंशन.
एक वुमनिया भारी है। थैंक यू नुशरत, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। आई होप आपको इतना ही मजा आया। हाँ, बहुत। ये है आपके लिए, ये ओह माय गॉड, आपके हित में। आई लव ऑल ऑफ दिस, है ना, द क्रंची पीनट बटर, आलमंड बटर, ऑल काइंड्स ऑफ पीनट बटर। ओह, इट्स टू कूल, है ना, एंजॉय करिए। थैंक यू, ऐसे ही मजेदार किरदार निभाइए एंड खूब तरक्की करिए। थैंक यू। Hi guys, hope you're enjoying my show and do remember to comment on this episode. And if you never want to miss an update, do subscribe to Filmi Mirchi and hit the bell icon. Aur haan, ye show jo hai, wo radio par bhi aata hai on these frequencies. And if you wish to enhance the shape of you, be sure to download the Simple Soulful app by Shilpa Shetty from the download link in the description below. It's available on Android and iOS. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, adios.